हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आईक्यू इंडिया के सीईओ निपुण मौर्या ने कुछ ही दिनों पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए घोषणा की थी कि कंपनी इंडियन मार्केट में अपना नया स्मार्टफोन आईक्यू जेड 7 प्रो 5G लॉन्च करने वाली है। ब्रांड की ओर से अभी फोन की लॉन्च डेट या प्राइस की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन लेटेस्ट लीक में आईक्यू जेड 7 प्रो 5G की लॉन्च टाइमलाइन और बजट सेगमेंट की डिटेल सामने आई है, जिन्हें आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। गाइस, आईक्यू जेड 7 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में टिपिस्टर अभिषेक यादव ने इन्फॉर्मेशन दी है कि यह मोबाइल फोन अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में इंडियन मार्केट में उतारा जाएगा। कोई सटीक लॉन्च डेट तो अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि यह 15 अगस्त के आसपास यह आईक्यू मोबाइल इंडियन मार्केट में एंट्री ले लेगा। कीमत की बात करें तो आईक्यू जेड 7 प्रो 5G फोन दो मेमोरी वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है। फोन के बेस वेरिएंट में 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिए जाने की बात कही गई है, जिसकी कीमत 22,990 रुपए हो सकती है। इसी तरह आईक्यू जेड 7 प्रो 5G के 12GB रैम वेरिएंट को 24,990 रुपए में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 256GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है। आईक्यू जेड 7 प्रो के स्पेसिफिकेशन की बात करें जो लीक के जरिए हमें पता चली है, इस फोन को 6.7 इंच की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले पर लॉन्च किया जा सकता है, जिस पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकती है। यह पंच होल स्टाइलिस वाली स्क्रीन होगी, जिस पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है। प्रोसेसर की बात करें तो आईक्यू जेड 7 प्रो 5G एंड्रॉइड 13 पर आधारित फन टच OS 13 पर लॉन्च किया जा सकता है। लीक के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग के लिए इस फोन में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 782G का ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। वहीं इस फोन के रैम वेरिएंट की बात करें तो लीक के अकॉर्डिंग नया आईक्यू फोन इंडिया में दो रैम वेरिएंट के साथ आ सकता है। इसके बेस वेरिएंट में 8GB रैम दी जा सकती है और इसके बड़े वेरिएंट में 12GB रैम मिल सकती है। स्टोरेज के तौर पर 128GB मेमोरी और 256GB स्टोरेज इस फोन में दी जा सकती है। कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए आईक्यू जेड 7 प्रो 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसके बैक पैनल पर 64MP का प्राइमरी कैमरे के साथ 2MP का सेकेंडरी लेंस मिल सकता है। वहीं फ्रंट पैनल पर 16MP का सेल्फी कैमरे दिए जाने की बात सामने आई है। बैटरी की बात करें तो पावर बैकअप के लिए आईक्यू जेड 7 प्रो 5G स्मार्टफोन में 4600mAh बैटरी दिए जाने की बात लीक में सामने आई है। इस फोन में 66W फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों, देखना यह है कि आईक्यू जेड 7 प्रो 5G इंडिया में कब तक लॉन्च होगा और इसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा। बाकी ये सब तो लॉन्च के टाइम पर ही हमें पता चल पाएगा, और इस फोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आती है तो मैं सबसे पहले जो है आपको अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।